सेटिंग वगैरह बताता हूँ, ये 9A का इंडिकेटर है, एक्सिस कंपनी का है, ठीक है। अभी मोटरसाइकिल ऊपर गई हुई थी, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो कंप्यूटर कनेक्शन है, कंप्यूटर कनेक्शन 2 नंबर और 5 नंबर पिन है, और जो लोड सेल के कनेक्शन है वो इसके 1-2 एक्सीटेशन, 6-7 जो है वो एक्सीटेशन नेगेटिव, 8 नंबर सिग्नल पॉजिटिव और 9 नंबर जो है सिग्नल नेगेटिव है। इसके अलावा इसकी कैलिब्रेशन कैसी है कि आप ये देखेंगे, इसमें ये कॉल स्विच है, यहाँ पे ये कॉल स्विच है, इसको आपने एक दफ़ा दबाना है तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने एक कॉल के बटन को दबाना है, ये डिवीज़न आ जाएगी, डिवीज़न हमने 10 रखी हुई है, एंटर, ये डेसिमल पॉइंट आ गया, ये जीरो, ये इसकी फैसिलिटी है फुल कैपेसिटी, ये क्या कहते हैं ए लोड, ये बी लोड, और ये फिल्ट्रेशन, और ये इस तरीके से लो हाई लिमिट ये आ गई, तो ये इस तरीके से इसकी यानी कैलिब्रेशन हो जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर के जो कनेक्शन है इसके, वो भी 2 नंबर और 5 नंबर पिन में कंप्यूटर के कनेक्शन होंगे। तो ये सारी इसकी यानी सिंपल सी सेटिंग है। ये इंडिकेटर आप देख लें, यानी दोबारा से क्या यूज़र वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे लोड की? लोड की वैल्यू जो है, अगर हमने जब कैलिब्रेशन मोड में जाएंगे, हाँ जी, तो फंक्शन जहाँ पे आएगा जहाँ पे फुल कैपेसिटी आएगी, उसको हमने जब दोबारा एक दफ़ा एंटर करेंगे, उसके बाद जो खुद ब खुद अनलोड और लोड कैलिब्रेशन आएगा। अच्छा अच्छा